दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी नदियों और समुद्रों के ऊपर पुल कैसे बनाए जाते हैं और आखिर इतना ज़्यादा पानी के नीचे पिलर का निर्माण कैसे किया जाता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले ब्रिज बनाने के लिए इंजीनियर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनमें पानी की गति, पानी की गहराई, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार और पुल पर चलने वाली गाड़ियों का भार आदि का हिसाब रखा जाता है। पिलर बनाने के लिए एक कॉपर डैम बनाया जाता है। इन कॉपर डैम को लंबे लंबे स्टील को काटकर गोलाकार शेप बनाया जाता है। फिर मशीन के मदद से इन कॉपर डैम को पानी के अंदर डाला जाता है और पानी के बहुत अंदर डाल दिया जाता है। फिर मोटर के जरिए इनमें से सारा पानी निकाल दिया जाता है। फिर कॉपर डैम पूरी तरह से खाली और सूख जाता है। फिर इसके अंदर वर्कर घुसकर काम शुरू कर देते हैं। फिर ये पिलर बनकर तैयार हो जाता है और सीमेंट के कंक्रीट को किसी दूसरे जगह पर बनाया जाता है। ब्रिज का आधा काम कारखानों में किया जाता है और आधा काम पानी के अंदर किया जाता है। ये कंक्रीट को क्रेन या शिप के मदद से पुल पे बारीकी से चढ़ाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, फिर जाकर पुल का निर्माण होता है। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।